मोदी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीट से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मैं आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम जुड़ी पाँच बड़ी खबरों के साथ। आइए सिलसिलेवार तरीके से इन पाँच बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करें तो कुछ इलाकों में जोरदार बारिश होने का अनुमान है, यानी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। असम में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहां पर भी कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। वहीं अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है, यानी कुछ एक क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। केरल पर नजर डालें तो कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश, यानी केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना फिलहाल बनती नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु पुडुचेरी की ओर नजर डालें तो कहीं कहीं भारी बारिश के यहां भी आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी पांच बड़ी खबरें। और आइए मौसम अलर्ट के लिए चलते हैं AI एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात की संभावना है। असम, मेघालय और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश और तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात की संभावना है। ओडिशा के तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात हो सकते हैं, इसलिए नजर बनाए रखें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। शुक्रिया भूमि मौसम से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं, यानी देश के कौन कौन से वो हिस्से जहां पर ज़्यादातर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, कहां पर कहीं कहीं बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है और कहां पर बारिश फिलहाल नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, जहां आप देख सकते हैं कि अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है, जैसा कि हमने आपको इसके बारे में पाँच बड़ी खबरों में भी बताया था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो कई जगह बरसात हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं यहां पर अनेक जगहों पर बरसात होने की फिलहाल संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनी हुई है। तो हमने आपको बताया जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बारे में, इसके बाद आपने हिमाचल प्रदेश के बारे में जाना और उत्तराखंड में जैसा कि हमने बताया कि अलर्ट जारी किया गया है। अब पूर्वोत्तर की ओर चलें तो आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम अधिकतर जगहों पर बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात होने की संभावना। बिहार में भी ऐसे हालात रहेंगे। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में अनेक जगहों पर बारिश, अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर। केरल में भी हमने पांच बड़ी खबरों में बताया था कि अधिकतर जगहों पर बारिश होगी, कहीं कहीं पर काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। भीती दक्षिण कर्नाटक में भी ऐसे हालात रहेंगे। वहीं तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कई जगह बरसात होने की संभावना बनती नजर आ रही है। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। तो इसमें सबसे पहले हम आपको चेतावनी वाले क्षेत्र बता देते हैं। मध्य भारत की ओर मुड़े उससे पहले मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा में अनेक जगहों पर बरसात है। गुजरात में भी अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात होने की फिलहाल संभावना बनी हुई है।
अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, कहाँ बारिश हुई कहाँ नहीं हुई, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं यहाँ पर बारिश हुई है, पंजाब और हरियाणा में भी अनेक जगहों पर बारिश रही, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी देख सकते हैं, उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर बारिश रही, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई है। अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि अनेक जगहों पर बरसात हुई, असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा ज़्यादातर जगहों पर यहाँ पर बारिश रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में भी ऐसे हालात रहे हैं। बिहार झारखंड गांगे पश्चिम बंगाल ओडिशा में भी आप देख सकते हैं कि पिछले 24-48 घंटों में यहां पर भी बारिश अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, तो यहां आप देख सकते हैं केरल में काफ़ी ज़्यादा बारिश रही है, तमिलनाडु, इसके अलावा रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीती दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, इसके साथ ही भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही लक्षद्वीप और वहीं पर अंडमान निकोबार में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो हमारा मध्य भारत है, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ शामिल है, मराठवाड़ा का भी कुछ भाग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं पर ज़्यादा बारिश भी दर्ज की गई है। वहीं अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल ये तो बात हुई मौसम के चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का अलग अलग देश के हिस्सों में मिजाज कैसा रहा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर हम नज़र डालते हैं। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर ही नीचे गया, इसी तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल के साथ। तो इसमें सबसे पहले अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो देख सकते हैं गांगे पश्चिम बंगाल में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से नीचे गया है, कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वो राज्य हैं जहां पर तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर पारा ऊपर दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर अगर हम रुक करें तो यहाँ आप देख सकते हैं रायलसीमा, भीती उत्तर कर्नाटक में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा यानी ऊपर दर्ज किया गया है। नज़र डालते हैं अब हम विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात पर। तो तापमान में आप देख रहे हैं यहाँ भी अच्छा खासा इजाफा है, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर अगर हम रुक करें तो आप देख सकते हैं तेलंगाना में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस है, वहीं मध्य महाराष्ट्र पर नज़र डालें तो यहाँ भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तटीय आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 37.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद आइए अब नज़र डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, और शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश के साथ। तो आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान में भी इजाफा है, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से हम अगर नज़र डालें हरियाणा और दिल्ली पर, हालांकि यहाँ आप देख रहे हैं कि अन्य क्षेत्रों में तापमान बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर तापमान में गिरावट रही है न्यूनतम तापमान में।
ओडिशा गांगे पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो इतना कम दर्ज किया गया है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। नज़र डालते हैं रायलसीमा मध्य महाराष्ट्र पर, तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है, हालांकि यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा है, ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान में यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर नज़र डालते हैं तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो अधिक दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुजरात के वलसाड़ में 18.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा तापमान, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, इसके बारे में अभी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। फिलहाल अब देश के अन्य राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही, आइए देखते हैं वो भी। था पूरे देश में मौसम का हाल, तापमान की स्थिति क्या रही। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, देखते रहें मौसम खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिल्पा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। IPL Biologicals फसल को कीड़ों, रोग दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा, मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल IPL Biologicals यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी देश के जो बड़े शहर हैं वहाँ की हवा कैसी रही। आइए एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के लिए एक बार फिर से चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। भूमि, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 126 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां सूचकांक 75 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई, यहां सूचकांक 54 दर्ज किया गया। कोलकाता में सूचकांक 91 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 145 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है, और यहां सूचकांक 132 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 87 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है, और यहां सूचकांक 60 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी अच्छी है, और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया भूमि तमाम जानकारी के लिए, वायु गुणवत्ता भी आपने जानी हमारी AI एंकर भूमि से। फिलहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के, यानी अगर आप अपने राज्य से कहीं और जाने की सोच रहे हैं तो हमारा पर्यटक पूर्वानुमान जरूर देखें, जिसमें हम अगले 4 दिनों में कैसी स्थिति रहने वाली है मौसम की, उसके बारे में जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, तो आप देख सकते हैं चारों दिन फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बादल रहेंगे, धूप भी निकलती रहेगी, बादल
का मतलब है कि हो सकता है कि बूंदाबांदी हो, लेकिन ज्यादा बारिश का फिलहाल अनुमान अगले 4 दिनों में नजर नहीं आ रहा है। धूप जरूर खिलती रहेगी। तापमान भी आप देख रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस से शुक्रवार आते आते ये 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर ठंडक भी फिलहाल नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, तो आप देख रहे हैं हालांकि हिमाचल प्रदेश में काफी बारिश हो सकती है, हमने आपको उत्तराखंड के बारे में भी बताया था, और वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना, कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर काफी ज्यादा भी बारिश हो सकती है। धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर तापमान की स्थिति आप देखिए, मंगलवार को 28 डिग्री सेल्सियस है, बुधवार को भी 28 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ भी तापमान जो है बढ़ोतरी की ओर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री की, तो आप फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं अगले 4 दिनों में गंगोत्री में कैसे हालात रहेंगे। राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, लेकिन फिलहाल गंगोत्री में आप देख रहे हैं कि उतनी ज़्यादा स्थिति नज़र नहीं आ रही। बादल ज़रूर रहेंगे यानी बारिश हो सकती है, बीच बीच में यहाँ पर धूप भी खिलती रहेगी। तापमान आप देखें मंगलवार को 7.6 डिग्री सेल्सियस, और आने वाले 4 दिनों में कैसी स्थिति रहेगी वो भी आपने देखा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश है। अधिकतम तापमान मंगलवार को 34 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद अगले 3 दिन 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से इजाफा है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 27 से 28 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान आप देख रहे हैं कि 35 के आसपास, 34-35 ही अगले 4 दिनों में रहने वाला है, तो हो सकता है कि थोड़ी गर्मी आपको ज़रूर महसूस हो। यहाँ पर नागालैंड के कोहिमा की बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अलर्ट जारी किया गया है, काफ़ी मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो अगले 4 दिनों में कोहिमा में भी आप देख रहे हैं कि बारिश की ही स्थिति नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान जहाँ मंगलवार को 26 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शुक्रवार आते आते ही 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, यानी तापमान में इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस कोहिमा में रहने की फिलहाल संभावना है। सिक्किम के गंगटोक की बात करें तो आप देख रहे हैं मंगलवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, यहाँ पर बिजली कड़क सकती है, तो सावधान रहे, खासतौर पर किसान जो खेतों में काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बारिश की बात करें तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिन काफ़ी बारिश हो सकती है। तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक ये जा सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस पर ये कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान में ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं ओडिशा की पुरी की, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंगलवार को 34 डिग्री सेल्सियस तापमान है, अगले 2 दिन 35, और फिर से शुक्रवार को 34 डिग्री सेल्सियस तापमान होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पर कांस्टेंट है, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन क्योंकि बादल छाए रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बारिश की फिलहाल यहाँ पर संभावना नहीं बताई गई है, लेकिन बारिश थोड़ी बहुत ज़रूर हो सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की, तो चारों ही दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश है। तापमान हालांकि काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, 32, 33, 31 और 30। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। लेकिन उदयपुर जाने की सोच रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए कि बारिश का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है, चारों दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल में आपने देखा कि पहले भी बारिश, अभी 24 घंटों के पहले ही बारिश दर्ज की गई, आगे भी यहाँ का पूर्वानुमान ऐसे ही कि काफ़ी बारिश रहेगी। मुन्नार की बात करें तो चारों दिन काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि पहले 3 दिन 26 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 25 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन केरल अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश रहेगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर उस तरह की बारिश तो नहीं है, लेकिन बादल ज़रूर छाए रहेंगे और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक है, यानी गर्मी भी आपको महसूस होगी। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। तो रामेश्वरम में अगले 4 दिनों में ये है मौसम का हाल। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब आपको बताते हैं दूसरे क्षेत्रों के बारे में, वहाँ पर फिलहाल अगले 4 दिनों में स्थिति क्या रहेगी, और इन तमाम हालातों को देखते हुए हमारे किसानों को किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये जानने के लिए आइए चलते हैं हमारे AI एंकर कृषि के पास, जो कि हमें खेती किसानी से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान, मैं हूं AI कृष, और आज हम पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में इस समय हल्की बारिश की उम्मीद है, ऐसे में यहां के किसान फसलों में सिंचाई या किसी प्रकार का छिड़काव न करें। पश्चिमी पंजाब के किसान इस मौसम में नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद, लीची, लोकाट और चीकू जैसे सदाबहार फलों के पौधों की रोपाई कर सकते हैं। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में इस समय अगेती फूलगोभी की रोपाई की जा सकती है।
इसके अलावा यहाँ बाघों और सब्जियों के अलावा गन्ना और मक्के के खेतों में पानी जमा न होने दें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में मक्के को कीटों से बचाएं। वहीं मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों के किसान इस समय भिंडी और लोबिया की बुवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां अगेती फूल गोभी की रोपाई का काम कर लें। मध्य पंजाब के मैदानी हिस्सों में ही इस समय धान के खेतों में पानी जमा न होने दें और खेतों में पानी पूरी तरह से सूख जाने के दो दिन बाद सिंचाई करें। लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी में दरारें न पड़ें। यहीं मक्का के खेतों में पानी न रुकने दें। पूर्वी हरियाणा में मौसम साफ होने पर कपास, अरहर में सिंचाई और रासायनिक छिड़काव करें। यहीं इस समय कपास में थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी कीटों की नियमित निगरानी करते रहे। इसके अलावा यहां धान को कीटों से बचाएं। वहीं पश्चिमी हरियाणा में इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए कपास की फसल में सिंचाई न करें। इसके साथ ही यहां इस समय वातावरण में नमी ज़्यादा होने से फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान फसलों की नियमित निगरानी करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिन्होंने खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप किसानों तक पहुंचाई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको एक फसल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और आज इसी कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं धनिया के बारे में। धनिया की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी फसल है। इसे दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों को खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हरा धनिया। वहीं इसके दानों को मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हम आपको धनिया की फसल से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डाले, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर ले, साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। एक माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग, चुर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। एक हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको विस्तार से जानकारी दी धनिया के बारे में। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर से आपको मदद हो रही होगी। चलते चलते एक और जानकारी देते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DDKisanChannel जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं और YouTube पर भी देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम मौसम खबर।
उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएलके ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीट से सुरक्षा की गारंटी। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात में जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा है? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूं। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं सेब के भाव की। एग मार्केट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 12,500 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब की खरीद 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। केरल की मंजेरी मंडी में सेब का कारोबार 12,550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब जानते हैं प्याज के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज के सौदे 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में प्याज का कारोबार 2,920 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब बात करते हैं गेहूं के भाव की। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में गेहूं की खरीद 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,430 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की जहानाबाद मंडी में गेहूं के सौदे 2,303 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। छोटे छोटे कदम एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाह, प्रकृति को बचाने की जिद, छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का सर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी इन्फ्लुएंसर्स से?
इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके इन्फ्लुएंसर्स क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैंने सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है, ये कुछ काम नहीं कर सकेगी, अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण 11:00 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।